हेलो गाइस, वेलकम टू द टेलीविजन केयर। तो फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही होगा कि मार्केट में कई तरह के जो है मॉड्यूल आते हैं, जो 5 वोल्ट 5 वोल्ट बनाते हैं, जो सप्लाई जब जब हमारी जल जाती है, सप्लाई खराब हो जाती है, तो उसमें लगाने के काम में आते हैं, ताकि हमारी सप्लाई जो होता है वो पूरा बन जाए, एसी सेक्शन और डी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो क्या होता है कि जो मार्केट में आ रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, वो हीट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर प्रीसेट लगा होता है और ट्रांजिस्टर आपको निकालना पड़ता है, प्रीसेट निकालना पड़ता है, फिर जुगाड़ करना पड़ता है ताकि आपका हीट ना हो, और सीधा सीधा नहीं कनेक्शन लगा सकते, उसमें काफ़ी तामझाम करना पड़ता है। तो ये जो हमारा आया है, ये बहुत ही सस्ता मॉड्यूल आया मार्केट में और बहुत ही बढ़िया है, इसको मैंने खुद यूज़ किया है, ये बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है, इसको कैसे लगाना है और कैसे लगाना है और इसमें कुछ भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज, ये जो हमारा मॉड्यूल है 5 वोल्ट टू 24 वोल्ट तक बनाता है। ठीक है, तो इसको लगाना कैसे है, मैं लगाने की बात करता हूँ आपसे, सीधे सीधे कनेक्शन लगाने की मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको इसको सप्लाई में लगाना है। अगर आपकी सप्लाई जल जाती है तो आप कैसे इसको लगा सकते हो, जिससे कि आपका दोनों सेक्शन कवर हो जाए सप्लाई के अंदर। तो गाइस, जो हमारी पहली वायर आती है, पहली हो गई हमारी रेड वायर, ये हो गई हमारी रेड वायर। अब जो हमारी रेड वायर है वो लगेगी हमारी 300+ वोल्ट में, जो कि होता है हमारा, ये जो हमारा 300+ वोल्ट है, ये जुड़कर स्विच वोल्ट के मोस आईसी के डी पोल पे जाएगा। एक बार फिर से बता दूं आपको, ये जो हमारा 300 वोल्ट, ये स्विच वोल्ट के मोस आईसी के डी पोल पे जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी वाइट वायर। अब वाइट वायर कैसे लगेगी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो वाइट वायर लगेगी हमारी वो स्विचिंग ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफाइड डायोड के फीडबैक कॉइल पे लगेगी। ये किस पे लगेगी, फीडबैक कॉइल पे। ये लगेगी हमारी स्विचिंग ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर डायोड के फीडबैक कॉइल पे। ठीक है, ये जो वाली हमारी वाइट वायर। अब हमारी ये दो वायर तो कवर हो गई, ये हमारी लगेगी +300 वोल्ट पे, ये लगेगी हमारी स्विचिंग रेक्टिफायर के डायोड के फीडबैक कॉइल पे। अब आती है हमारी ग्रीन वायर, इसको कैसे लगाना है आपको। अब ग्रीन वायर जो हमारी है, ये भी लगेगी, ये जो है ये भी लगेगी हमारी 300+ वोल्ट पे। ये जो ग्रीन वायर हमारी, ये लगेगी 300+ वोल्ट पे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। अब इसके बाद आती है हमारी ब्लैक वायर। अब ब्लैक वायर जो है हमारी, ये है हमारी ग्राउंड, जो कि आती है हमारी नेगेटिव, ये हमारी ग्राउंड वायर हो गई। अब आती है हमारी ब्लू वायर। अब आती है हमारी ब्लू वायर। अब इसको कैसे लगाना है मैं आपको बता दूं, जो ब्लू वायर है हमारी हमारी वो या तो 3.3 वोल्ट पे लगेगी या तो 5 वोल्ट पे लगेगी। अब मैं ये इसकी क्यों कह रहा हूँ कि 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, क्योंकि सब 3.3 होते हैं, किसी में 5 वोल्ट होते हैं, तो उसके अंदर जो फोर कपलिंग होता है, उसमें आपको लगानी है वाली वायर, उसमें आपको चेक कर लेना है कि आपको 3.3 आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी आप दे सकते हो। फिर से बता दूं आपको, स्टेबलाइजिंग ऑप्टिकल कपलिंग के 4 फिट पर जाएगा। तो गाइज, ये हमारा जो ये इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मार्केट में जो कई तरह के मॉड्यूल आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो आप लगाते हो तो आपकी रिकम्प्लेंट आ जाती है कुछ ही टाइम बाद, उनमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, उनमें आपको क्या होता है, प्रीसेट निकालना पड़ता है, ट्रांजिस्टर निकालना पड़ता है, फिर उसके कपलर पर डायरेक्ट तार के जम देने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पता है उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, और उसमें नहीं, काफ़ी सारों में हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वाले जो है, इस वाले मॉड्यूल में हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैंने खुद यूज़ किया है, तो आप भी इसको यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। तो गाइज, इससे जुड़ी और नॉलेज के मेरे चैनल को आइए सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।